Hello students, you are welcomed in RCI Education Room. Today we are going to start a new topic, that is respiratory system. In the last lecture we have talked about respiration. Last lecture के अंदर हमने बात की थी कि respiration होता क्या है, इसके अलावा respiration के कौन कौन से types होते हैं, aerobic respiration, anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी अपन ने एग्जांपल्स की बात की थी, प्रोसेस की बात की थी. एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी अपन ने एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लस उसके एग्जांपल्स की बात की थी. तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर अपन सबसे पहले जो है एक बार देखते हैं. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है विच इज कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल लैरिस, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व ये जो बाहर नाक की जो ओपनिंग है, द ओपनिंग ऑफ नोज इज आर नोन एज एक्सटर्नल लैरिस. इसके अलावा जो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन पाया जाता है दैट इज नोन एज नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर के जिस बिलो जो पोर्शन पाया जाता है दैट इज नोन एज इंटरनल लैरिस. और इंटरनल लैरिस के नीचे जो चैम्बर पाया जाता है दैट इज नोन एज नेसोफैरिंक्स. नेसोफैरिंक्स और नेसोफैरिंक्स के जस्ट बिलो जो पोर्शन पाया जाता है दैट इज लैरिंक्स. लैरिंक्स के जस्ट बिलो जो पोर्शन पाया जाता है दैट इज ट्रेकिया. एंड देन फर्दर ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकिया. ब्रोंकिया जो है फिर फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकिया के अंदर डिवाइडेड होती है. बट दीज ब्रोंकिया आर फाउंड इन साइड द लंग. लंग के इन साइड के अंदर पाई जाती है. अपने जो है बॉडी के अंदर दो लंग पाए जाते हैं एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द प्लूरा. दोनों लंग जो है दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं एंड द मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरा. इसके अंदर जो है सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से ही बात करते हैं एक्सटर्नल लैरिस से बात करते हैं. जैसे अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जो भी अपन गैसेस को इनहेल करते हैं, अपन गैसेस को इनहेल एक्सटर्नल लैरिस की हेल्प से करते हैं. एक्सटर्नल लैरिस की हेल्प से अपन ने गैसेस को इनहेल कर लिए. नाउ दीज गैसेस आर मूविंग इनटू द नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर के अंदर गैसेस जा रही हैं. ये जो नेजल चैम्बर है दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. नेजल चैम्बर जो है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं. नंबर वन इज द वेस्टिबुलर चैम्बर, नंबर सेकंड इज रेस्पिरेटरी चैम्बर एंड नंबर थर्ड इज ऑल्फैक्टरी चैम्बर. जो सबसे पहला वाला है वेस्टिबुलर चैम्बर, एक्चुअली ये सबसे पहला जो है नेजल चैम्बर है जो कि एक्सटर्नल लैरिस के पास में पाया जाता है. इसके अंदर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और इनका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. अपन सराउंडिंग से एयर ले रहे हैं, मे बी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या एलर्जेटिक पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो ये एक तरीके से ये जो वेस्टिबुलर चैम्बर है ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है. अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर का फिल्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर एयर फिल्टर नहीं होगी तो इस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके अपने अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो एयर को फिल्टर करने का जो काम कर रहा है दैट इज द वेस्टिबुलर चैम्बर. This is the first part of nasal chamber. इसके बाद में हम बात करते हैं second respiratory chamber. Respiratory chamber जो है जो भी अपन gases inhale कर रहे हैं उनके temperature management का काम करता है. क्योंकि body का temperature और surrounding का temperature दोनों का temperature कभी भी same नहीं होता है. तो अगर बाहर का temperature ज़्यादा है अंदर का temperature कम है तो ये gases का temperature decrease करने का काम करता है. उस वाले condition में क्या होता है कि जो अब ये respiratory chamber है इसके अंदर म्यूकस सेल्स पाई जाती है. और म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस को सिक्रेट करती है, जिनको गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं. म्यूकस को सिक्रेट करती है. म्यूकस को सिक्रेट करने के बाद में जो भी गैसेस अपन ने इनहेल किए हैं उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है. और बहुत बार ऐसा होता है कि जो है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है. उस वाली कंडीशन के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है ये गैसेस को वार्म करने का भी काम करता है. तो ये जो सेकंड है रेस्पिरेटरी चैम्बर, ये गैसेस का टेम्परेचर मैनेजमेंट का काम करता है. टेम्परेचर इंक्रीज भी कर देता है और डिक्रीज भी कर देता है. इसके बाद में अपन थर्ड बात करते हैं दैट इज ऑल्फैक्टरी चैम्बर. ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है. सपोज दैट वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग स्वीट्स, कुछ भी जो भी अपन चीज खा रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है अपन स्मेल करते हैं. स्मेल करने के बाद में टेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. टेस्ट को आइडेंटिफाई जिसके थ्रू अपन कर रहे हैं दैट इज द ऑल्फैक्टरी चैम्बर. ये जो है सबसे लास्ट वाला चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर का लास्ट वाला पार्ट होता है. इसके बाद में जैसे ये एंड होता है, एंड होने के बाद में इंटरनल लैरिस स्टार्ट हो जाता है. इंटरनल लैरिस के अंदर गैसेज आती हैं.
इंटरनल लैरिंग्स के अंदर गैसेज आने के बाद में फिर गैसेज जो है नेसोफेरिंक्स के अंदर एंट्री करती है। नेसोफेरिंक्स जो है फेरिंक्स का एक पार्ट है, और फेरिंक्स तथा फेरिंक्स के पार्ट के बारे में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करेंगे कि फेरिंक्स होता क्या है, फेरिंक्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑल दैट। इसके बाद में अपन बात करते हैं गैसेज नेसोफेरिंक्स के अंदर चली जाती है। गैसेज नेसोफेरिंक्स के अंदर जाने के बाद में फिर गैसेज एंट्री करती है लैरिंग्स के अंदर, गैसेज लैरिंग्स के अंदर एंट्री करती है, और वी कैन से कि जो भी लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक जो है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, और उस कार्टिलेजिनस फ्लैप को अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो है कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जा रहा है, उस फ्लैप को अपन बोल रहे हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन होता है कि जब भी अपन खाना खा रहे हैं या फिर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो खाना किसी भी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंट्री नहीं करे, ये फंक्शन होता है एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे पाया जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इन एक्चुअल जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड हमेशा लैरिंग्स के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। जो लैरिंग्स है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई द लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इट इज आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। इसके बाद में लैरिंग्स की जस्ट नीचे ट्रैकिया पाई जाती है, और ये जो ट्रैकिया होती है फर्दर इस ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है जिससे कि ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं हो। इसीलिए कोलैप्स नहीं होने के लिए जो है इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस फ्लैप पाए जाते हैं। ट्रैकिया फर्दर चलकर आगे जो है दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है, वन इज द राइट ब्रोंकाई एंड सेकंड इज द लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ये फर्दर सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर जो है लंग्स के अंदर पाई जाती है, अपनी बॉडी के अंदर दो लंग्स पाए जाते हैं, वन इज टुवर्ड राइट साइड एंड अनदर वन इज टुवर्ड लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट वाला जो लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, राइट वाला जो है थोड़ा बड़ा होता है, और लेफ्ट वाले के अंदर जो है नीचे की तरफ एक नोच भी पाई जाती है, दैट इज नोन एज कार्डियक नोच। इन एक्चुअल जो हार्ट सिचुएटेड होता है वो हार्ट जो है कार्डियक नोच के पास में सिचुएटेड होता है, और लंग्स के जस्ट नीचे जो है डायफ्राम पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो मस्कुलर फ्लैप, जो कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करने का काम करता है। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। फिर से अपन बात कर लेते हैं, नंबर वन इज एक्सटर्नल लैरिंक्स, नंबर सेकंड इज नेजल चैम्बर, नंबर थर्ड इज इंटरनल लैरिंक्स, नंबर फोर्थ इज नेसोफेरिंक्स, नंबर फाइव इज लैरिंक्स, उसके बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में प्राइमरी ब्रोंकिया है, प्राइमरी ब्रोंकिया जो है फिर सेकेंडरी ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो रही है, सेकेंडरी ब्रोंकिया फिर टर्शियरी ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो रही है, और ये जो नेटवर्क है ब्रोंकिया का दिस इज फाउंड इन लंग्स, और लंग्स के नीचे जो है डायफ्राम पाया जा रहा है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इसके बाद में जो है अपन ये ट्रैकिया के अलावा ब्रोंकिया के अलावा लंग्स, इन सब की जो है अपन थोड़े आगे वाले लेक्चर के अंदर चल के बात करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि जो कार्टिलेज जो है ब्रोंकिया किससे मिली कंसिस्ट हुई है, ये सी शेप ड्यूरिंग है इनका क्या फंक्शन है, ट्रैकिया की लेंथ क्या होती है, इसके अलावा ब्रोंकिया कितनी पाई जाती है, कितनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं, राइट और लेफ्ट लंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और ये डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है, दैट विल टॉक अबाउट, दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर।